अज असी गल करन जा रहे हैं जिला नवांशहर के जमपल अभिषेक जांगड़ा की, जिसने हिट टीवी शो विच काम करके अपने माता पिता का ही नहीं सगों पूरा जिला नवांशहर का नाम रोशन किया है। टीवी के हिट चैनल कलर्स टीवी उत्ते प्रसारित किए जा रहे लड़ीवार सीरीयल छोटी सरदारनी विच मुख नायिका के बड़े भरा का किरदार निभाने वाले नवांशहर के जमपल अभिषेक जांगड़ा ने अपने माता पिता का ही नहीं सगों पूरे जिला नवांशहर का नाम रोशन किया है। इस सीरीयल तो बाद उसकी कल्पना पंजाबी ते हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत अजमाउंदी है। नवांशहर के चंडीगढ़ मार्ग उत्ते शिवालिक पब्लिक स्कूल के सामने एडवोकेट धर्मपाल जांगड़ा ते श्रीमती मधु जांगड़ा के घर उन्हां दी बेटी ते बेटे ने जन्म लिया। 12 अगस्त 1991 नूं जन्मे अभिषेक जांगड़ा, जिसने प्लस टू करन तो बाद LLB दी डिग्री हासिल की, पर उसने वकालत करन दी जगह थिएटर ते फिल्म लाइन विच जाण दी सोची। उसका पहला सुपना उदों सच होया जदों उसनूं एक वीडियो विच किसे किरदार दी डबल भूमिका निभाउण दा मौका मिलिया। जदों उसनूं मुंबई विच कलर्स टीवी उत्ते प्रसारित होण वाले नवे सीरियल छोटी सरदारनी लई इसदी नायिका निमरत कौर आलूवालिया उर्फ मेहर दे वड्डे भरा बिट्टू दा किरदार निभाउण लई सद्दा आया, जिस लई इस सीरियल दे निर्देशक ने अभिषेक जांगड़ा नूं इस किरदार दी भूमिका निभाउण लई सिलैक्ट कीता। अज यह सीरियल जिसके 200 तो भी वध एपीसोड तैयार हो चुके ने। यह पंजाबी सीरियल हर सोमवार तो शनिवार तक रात नूं 7:30 बजे कलर्स टीवी उत्ते प्रसारित किया जा रहा है। इस सीरियल विच अभिषेक मुख नायिका का बड़ा भरा है, जो कि बिट्टू नाम का एक करैक्टर निभा रहा है। इस करैक्टर नूं निभा के अभिषेक नूं बेहद ही खुशी हुई है। उत्थे नाल ही उसने दस्सिया कि सीरियल छोटी सरदारनी विच काम करके उसनूं बेहद ही खुशी हुई है ते इस तो बाद उसकी कल्पना पंजाबी ते हिंदी फिल्मों विच अपनी किस्मत अजमाउंदी है। इस सारी प्राप्ति लई ओ अपने माता पिता नूं आइडल मानदा है। उसनूं माण है कि ओ पंजाब दे नवांशहर दी उस धरती नाल संबंध रखदा है जिस धरती नाल शहीद भगत सिंह जी दे परिवार दा पिछोकड़ जुड़िया है। एडवोकेट धर्मपाल जांगड़ा जो किते वजो नवांशहर दे वकील ने ते माता श्रीमती मधु जांगड़ा जो नवांशहर दे शिवालिक पब्लिक स्कूल विच संगीत दी अध्यापका है। अभिषेक दे परिवारिक मैंबरां ने उस दीआं होर वड्डीआं प्राप्तियां ते सुपनिआं नूं प्रवान सकार होण दे लई उस नूं आशीर्वाद दित्ता ते गुरु साहिब जी दे चरणां विच अरदास भी कीती। सीरियल तां इह जी मेरे लई बहुत खास आ, हमेशा रहूगा। मेरा पहला ब्रेक इंडस्ट्री दे विच वड्डा इस सीरियल तों, ते इहदे विच मोस्टली लोक मैनूं बिट्टू दे नां तों जाणदे होणे आ, ते मोस्टली लोकां नूं इह वी नहीं पता होगा कि आपां नवें शहर तों आ ते मेरा नाम अभिषेक जांगड़ा, मोस्टली बिट्टू दे नां तों ही जाणदे आ। ते सीरियल जिदा कि बहुत इंपोर्टेंट आ, टचवुड रब दी दया नाल नंबर 1 ते चल रहा है, अगे भी होपफुली उम्मीद करदे आ कि वधिया चले। सोमवार तो शनिवार 7:30 बजे बस बॉम्बे हो गए सी आपां। मैं 2017 च बॉम्बे गया सी, उत्थे जाके मैं पहला एक्टिंग क्लासेस लाइया, ज्वाइन किया, देखिया किदां हुंदी आ कैमरा एक्टिंग, थोड़ा सीखिया। फिर उस ऑडिशन देने शुरू किए ते एक ऑडिशन आया, मैनूं किसी ने दस्सिया कि इदां इदां फोटोज भेजो अपनियां, फिर उन्होंने बुलाया, मैं गया, बस ऑडिशन दिती आ, उन्होंने पसंद आया, नैक्सट डे मैनूं कॉल आ गई कि तुसीं सिलेक्ट हो गए। उस तो पहला भी मौका मिले थे वो सीरियल से जां किसी एक्टिंग लाइन दे विच जां? नहीं, सीरियल तो मेरा पहला आ। हाँ, इस तो पहला मैं 2015 दे विच एक ऐड कीती सी अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म, उन्हां लई जॉन अब्राहम एक्टर जिहड़े, उन्हां दा बॉडी डबल मैं कीता सी उन्हां दे विच, ते एक ओह काम जरूर कीता सी मिस्टर दा। ते जिगल करिए ते क्वालिफिकेशन दे थोड़ा जिहा अपना बाद वी दस्सी दिए। हाँ जी, मैं उहदा लॉ ग्रेजुएट हाँ, BLLB कीती मैं लॉ तों। इस खेत्र विच आ इह ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ? ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਂਸ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਲੈਨ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ।